अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ व्हाट्सएप की एक पांच बेस्ट ट्रिक्स, जिनका शायद आपको इलम ना हो। तो बहुत यूज़फुल ट्रिक्स हैं, बहुत मज़ेदार ट्रिक्स हैं। आए मैं आपको लेके चलता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस देख रहे होते हैं, ठीक है जी, आपको उसको रोकना होता है जहाँ पर आपका दिल चाहे, लेकिन आप अक्सर उसको रोक नहीं पाते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा ये स्टेटस लगा हुआ है वीडियो का, आपने इसको रोकना है। आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन पे थ्री उंगलियाँ रखनी है, तीनों उंगलियाँ, और उसको आपने थोड़ा सा ऐसे नीचे के लिए ड्रैग करना है। ये देखिए आपका स्टेटस वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना, आपका स्टेटस चल पड़ेगा, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी पहली ट्रिक। उसके बाद दूसरी ट्रिक हमारी ये है कि कोई बंदा भी आपको आपसे पूछे बगैर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता है। आपको इससे अक्सर परेशानी होती है। आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप पर जाना है, आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपने सेटिंग पे जाना है, उसके बाद आपने अकाउंट में जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में आपको ये नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी ग्रुप की, आपने इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका एवरीवन हुआ होगा, आपने उसको माई कॉन्टैक्ट्स में कर देना है। इससे ये होगा कि आपको कोई अननोन जो बंदा है वो आपको किसी भी ग्रुप में अपने ऐड नहीं कर सकता। अगर जब भी वो आपको ऐड करना चाहेगा तो पहले आपको एक मैसेज आएगा कि आप अगर उसको परमिशन देंगे ग्रुप की ऐड होने की, तभी आप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। अच्छा जी, ये हो गई ट्रिक। एक तीसरी ट्रिक चलते हैं जी। ये हमारे पास एक गैलरी में वीडियो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ले लेते हैं, ये हमारे पास एक वीडियो है, हमें इसका ऑडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें इसकी वीडियो पसंद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसकी जो स्टेटस है ना वो आवाज़ वाला लगे, तस्वीर ना आए। आपने क्या करना है, आपने स्टेटस पे जाना है, यहाँ पे पेंसिल का वो आ रहा निशान, आपने कोई भी रंग सेलेक्ट कर लेना है, उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा ड्रैग कर लेना है, ठीक है। आपकी जब पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी तो आप इसके ऊपर कोई एमोजी वगैरह भी पसंद का लगा सकते हैं और इसको सेंड कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी सिर्फ ऑडियो नज़र आएगी, आपकी जो वीडियो है वो आपकी नज़र नहीं आएगी, ठीक हो गया जी। अगली ट्रिक हमारी ऐसी है जी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को तस्वीर भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो बिल्कुल ही यानी कि हल्के रिज़ल्ट में जाती है कन्वर्ट होके, ठीक है। वो जो है एक्चुअल रिज़ल्ट होता है वो उससे हट जाती है, और वो बिल्कुल लो क्वालिटी की अगले बंदे को सेंड होती है। आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने जाना है व्हाट्सएप पर, आपने थ्री डॉट पे जाना है, आपने सेटिंग पे जाना है, ठीक है। आपने ये नीचे स्टोरेज एंड डाटा है, इस पर क्लिक करना है। आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगी फ़ोटो अपलोड क्वालिटी, आपने इस पर ओपन करना है। आपके यहाँ पर ऑटो हुई होगी, ठीक है। आपने इसको बेस्ट क्वालिटी पे कर देना है और ओके कर देना है। इससे ये होगा कि आप जब भी कोई फ़ोटो भेजेंगे वो अपने एक्चुअल रिज़ल्ट में दूसरे को रिसीव होगी। इससे ये है कि बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उसको, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा जी, ये हो गई हमारी ट्रिक्स वगैरह। और एक आपको मैं आज लास्ट ट्रिक बड़ी कमाल की बताने लगा हूँ, आप गौर से देखिएगा, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी आज तक। आपने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करना है और वो भी बिना शो हुए, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे यहाँ पे आपने अपना नाम, जिसको भी मैसेज करना है उसका नाम लेके पुकारना है, जैसे कि मैं आपके सामने करता हूँ। यहाँ पे कोई भी जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में नंबर है, यहाँ पे आज की मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।